नमस्कार दोस्तों, कोरल रॉक के इस ग्रहण पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम जानेंगे जिस टूल के बारे में। इस टूल का नाम है जूम टूल। अब जूम टूल का हम लोग शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पहले पार्ट से आपने देखा होगा कि जो है इसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा किया जाता है। आइए एक बार और थोड़ा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट मैं कोई फोटोग्राफ्स अगर ले रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर जो है चाहे मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया और इस ऑब्जेक्ट में जो है मुझे कॉर्नर में कुछ डिज़ाइन करना है या कॉर्नर में मुझे काटना है, कुछ ऐसा करना है, लेकिन ये बहुत छोटा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ कॉर्नर के हिस्से में काम करना है। तो जिस हिस्से में काम करना है, मैं पहले जूम टूल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ करके अपने माउस का जो है लेफ्ट बटन में प्रेस करके और इतना सा बस कॉर्नर के हिस्से को मैं क्या कर सेलेक्ट करके और फिर मैं क्या करूँगा लेफ्ट बटन में छोड़ूंगा। जैसे छोड़ूंगा, अब देखिए ये कॉर्नर का हिस्सा बड़ा हो गया। अब यही मुझे छोटा करना है तो बस यहाँ पर जाऊँगा और क्लिक कर दूंगा, छोटा हो गया। मगर बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे इस हिस्से को मुझे चाहिए तो इस हिस्से को बस आप माउस जो होता है माउस के जो है आपको लेफ्ट बटन को प्रेस करके और इतना खींचना है, खींच करके उसके बाद से आप लेफ्ट बटन को छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ेंगे तो आप फिर देखेंगे कि वो हिस्सा आपके एकदम स्क्रीन पर सबसे सामने और बड़े में दिखाई देता है। अब जैसे कि आप जो ऑब्जेक्ट है जो जो पेज है मेन आपका जो पेज है पेज पूरा फुल देखना चाहते हैं इस पर, तो आप जूम टूल पर क्लिक कीजिए। क्लिक जैसे पिक टूल पर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाता है, जूम टूल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको देखिए दिखाई देगा, ये पेज पूरा दिखेगा। अब देखिए पूरा ये पेज आपको ये पूरा पेज दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि जो है इसकी चौड़ाई बढ़े तो आप इसे क्लिक कर, देखिए चौड़ाई इतनी बढ़ गई। आप चाहते हैं कि लंबाई बढ़े तो लंबाई बढ़ गई इसकी, ठीक है। और इसके द्वारा जो है जिस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे थे, जो ऑब्जेक्ट आपने डिज़ाइन किया हुआ, वो ऑब्जेक्ट पूरा फुल स्क्रीन में आपके पेज पर दिखाई देने लगेगा। बाकी छोटा करना हो तो इसे जूम आउट टूल बैक पर क्लिक कर दें, अपने आप पेज जो छोटा होने लगता है, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये छोटा होने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है जूम टूल, जिसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।